नमस्कार, टुडे भारत लाइव में आप सभी का स्वागत है। प्रदेश सरकार द्वारा इतनी सख्ती बरतने के बावजूद भी कहीं अत्याचार तो कहीं लूट, कहीं डकैती तो कहीं पर मर्डर, कहीं करप्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। और इस अत्याचार भरी चक्की में पीसा जाता है तो गरीब असहाय किसान मजदूर। संविधान को माने तो भारत देश आज़ाद है, पर आज़ादी किसको मिली है? पैसे वालों को, नौकरी वालों को और नेता को, अधिकारी को। आज के समय में जब एक गरीब भूख से तड़पता है तो लोग लात मारकर चले जाते हैं यह कहकर कि दारू पी रखा है। सरकार जिस अधिकारी को जनता का दुख हरने के लिए रखी है, काफ़ी तर दुख वही दे जाते हैं। बांस गांव के कोटेदार द्वारा गरीबों के निवाले पर डाका डालकर बाजार में बेचते समय ग्रामीणों ने रंगे हाथ पकड़े और पुलिस को सौंपा। कुशीनगर जनपद के विकास खंड दुधई के ग्राम सभा बांस गांव के सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानदार गिरजा देवी के यहां ले जाया जा रहा गल्ला को ग्रामीणों ने जमुआन पुल के समीप पकड़ लिए। इसके बाद खाद एवं रसद विभाग के अधिकारियों में तहलका मच गया। पकड़े गए गल्ले सहित पिकअप को ग्रामीणों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पिकअप को अपने कब्जे में लेकर थाने चली गई। कुछ देर बाद थाने पर पहुंचे सप्लाई इंस्पेक्टर ने गल्ले को जब्त कर विधिक कार्रवाई में जुट गए। यह मामला पूरे क्षेत्र में चर्चा का एक विषय बना हुआ है। गरीबन के गाला किन के देखिए, ये गरीबों का गला लादा गया है कोटे का। ये श्रीकांत कोटदार का गला है, इसमें लाद के ऊपर दो बोरा धान रखे हैं ये लोग, ले जा रहे थे बेचने बाजार में। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब कहे हैं गाड़ी रोकिए, हम यहीं पे रोके हैं, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। गरीबों को दिया नहीं जाता है और बेचा जाता है बाजार में, खुले बाजार में बेचा जाता है राशन। दो बोरा राशन लाद दिए हैं धान। गाड़ी बंद करो, बंद करो गाड़ी, बंद करो, बंद करो। हम कहते नहीं उतर जा तू जैसे। प्रमुख जबरदस्ती ये कर रहे हैं राशन करवाने के लिए, राशन के साहब जो पानी 10 मिनट में आ जाएगा, कौन तेज भैया का बिगड़ता था, का बिगड़ता था, पीछे करा गए। सर नाम पूछ लिया साहब, सप्लाई इंस्पेक्टर पूछ लिया नाम, लाद के देखा था का हाल, यही जैसे जगह दिशा पूरा, यही जैसे जीरो जीरो ऊ का सप्लाई इंस्पेक्टर से बात कर लिया इनसे, पूछो क्या पानी साहब का पानी बताओ, यही रवि यही जरूर के का टॉप और कब कब तूफान का है भैया। गरीबन के गल्ला किन के देखिए, ये गरीबों का गल्ला लादा गया है कोटे का। ये श्रीकांत कोटदार का गल्ला है, इसमें लाद के ऊपर दो बोरा धान रखे हैं ये लोग, ले जा रहे थे बेचने बाजार में। सप्लाई इंस्पेक्टर साहब कहे हैं गाड़ी रोकिए, हम यहीं पे रोके हैं, ये लोग जबरदस्ती कर रहे हैं। गरीबों को दिया नहीं जाता है और बेचा जाता है बाजार में, खुले बाजार में बेचा जाता है राशन। दो बोरा राशन लाद दिए धान।
कहने के लिए सब चीज थी किस मोहन जी फोन कार्यक्रम लगा हुआ चार बजे चार बजे कार्यक्रम होता है मोदी जी के नाम के होटल में आ रही थी चावल प्रचुर मात्रा में आ गया Thank you.